आरटीआई में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स से मोदी सरकार ने बम्पर कमाई की है। एक साल के दौरान 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। यह जानकारी उस समय आई है जब देश के बहुत सारे राज्यों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। आज फिर पेट्रोल के दामों में चुनाव के बाद 35वीं बार वृद्धि हुई है। डीजल के दामों में भी चुनाव के बाद 33 बार वृद्धि हो चुकी है। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 99.86 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 89.36 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले रविवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा किया गया था। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। सरकार से जनता तेल पर टैक्स और सेस घटाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार महंगाई पर विराम लगाने की जगह लगातार दामों में वृद्धि कर पेट्रोलियम उत्पादों से अरबों की कमाई कर रही है। ये जानकारी भी सामने आई है कि कोरोना काल के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 56% से ज्यादा बढ़ी है। सरकार को अप्रत्यक्ष कर से करीब 2.88 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों के इम्पोर्ट पर 37,806 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी वसूली गई। वहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 4.13 लाख करोड़ की कमाई हुई और पेट्रोलियम पदार्थों के इम्पोर्ट पर सीमा शुल्क के तौर पर 46,000 करोड़ की कमाई हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों पर बम्पर कमाई और आम जनता की जेब पर डाका मोदी सरकार के असली चरित्र को उजागर करता है। सरकार को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। जनता में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।